अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ चना दाल अंडा, और ये बहुत अलग तरीके से। देखिए, मैंने दो अंडा लिया है फ्रेंड्स, और मैंने चना दाल लिया है एक कटोरे से कम, और मैंने एक प्याज लिया है, और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसे थोड़ा सरसों तेल ऐड करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडा को एकदम नहीं घोला, मैंने ऐसी इसका लिखाई इसको फोड़ के ऐसे डाल, बस खाली डाल देना आपको, और थोड़ा सा नमक डाल देना है। हाँ देखिए बस इसको पलट देना है। फिर देखिए मैंने इसे पलट लिया है। हाँ फ्रेंड्स, इसे अब निकाल लेना है। फिर मैं एक और अंडा लेने वाली हूँ, देखिए मैं इसे भी ऐसे डाल दूँगी। ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना है। फिर इसे पलट देना है। फ्रेंड्स इसे भी निकाल लेना है। फ्रेंड्स अब मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा रिफाइंड तेल ऐड करूँगी। अब मैं देखिए मैंने एक बड़े चम्मच लिया अपने अंदाज। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने सौंफ लिया और मैंने थोड़ा सा जीरा लिया, अब मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने सौंफ और जीरा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। हाँ फ्रेंड, देखिए मैं प्याज ब्राउन हो चुका है। मैं इसमें एक बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, फिर इसे मिला देना है। हाँ, आप अपने हिसाब से इसमें पेस्ट डालिएगा, आप जितना बनाना चाहते हो। हाँ देखिए, मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर लिया है, और ये गोल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच से कम। मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है एक चम्मच। मैं इन सबको मिला लूँगी, और ये मैंने आधा बहुत कम लिया है गरम मसाला। मैं इसे थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसे तीन हरी मिर्च ले रही हूँ, और ये मैंने एक टमाटर दिया छोटा साइज का, इन सबको मिला लेना है। जब हमारा मसाला थोड़ा भून जाएगा तब इसमें मैं चना दाल ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा चना दाल पहले से मैंने इसे बॉईल करके रखा था। हाँ फ्रेंड, देखिए मैं मसाला थोड़ा भून चुका है। मैं इसमें जो एक कटोरे में जो चना दाल लिया था इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करिए। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी आधा चम्मच से कम। हाँ फ्रेंड, देखिए मेरा ये चना दाल अच्छी तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, मैंने जितना चना दाल लिया था उसी हिसाब से मैं इसे पानी ऐड करूँगी। देखिए मैंने उसी से एक कटोरा पानी लिया है, तो चला लेना है। और इसे ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमारा चना दाल तो पहले से बॉयल था, हमें इसे 5 मिनट तक रखना है बस, ज़्यादा देर नहीं। हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते चेक करके। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा चना लगभग हो चुका है। हाँ देखिए, जो मैंने अंडा रखा था मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया फ्रेंड्स, ये देखिए। ये रेसिपी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब एक बार मैंने ऐसे इसमें कोई सा मैं चीज़ नहीं डाला जो आपको घर में नहीं मिलेगा। आप इसे आराम से अपने घर में इजीली तरीके से बना सकते हैं बहुत जल्दी। ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने में फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, और मुझे आप कमेंट से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।